नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एम के होम केयर पे। और आज हम बात करेंगे कैल्शियम डिफिशियंसी के बारे में, यानी कि शरीर में कैल्शियम की कमी होने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। उसके साथ साथ मैं बताऊंगी एक होम्योपैथिक कैल्शियम सप्लीमेंट जो कि कोई भी एज ग्रुप के लोग आराम से ले सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम सबको पता है कि कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी भी कारण या फिर आपके डाइट में कैल्शियम की कमी के कारण आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगे तो आपको कुछ लक्षण दिखेंगे, कुछ सिम्टम्स दिखेंगे कैल्शियम कमी के। तो जान लेते हैं कि सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी क्या होता है। तो सबसे पहला है पेन इन जॉइंट्स, यानी कि आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। स्पेशली जो है नी जॉइंट में दर्द होता है और आपके नी जॉइंट में दर्द होगा और आपको सीढ़ी चलने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी। और जो बोन्स जो है कमज़ोर होते हैं जिसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि आप ज़रा भी गिरे और आपको फ्रैक्चर होने का डर हो सकता है। फ्रैक्चर हो जाता है बहुत जल्दी क्योंकि बोन्स वीक होते हैं। उसके साथ साथ टायर्डनेस और लेजीनेस बना रहता है, सुस्ती रहेगी आपके बॉडी में। नेक्स्ट है मसल पेन होता है, मसल में पेन होता है। स्पेशली जो है बैक पेन की शिकायत रहती है कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। और हाँ, पैरों में भी बहुत दर्द होता है। मतलब जो पेशेंट है वो कंप्लेन करेंगे कि पैरों में दर्द बना ही रहता है, चाहे वो इतना काम ना भी करे दिन भर में, लेकिन पैरों में जो दर्द है वो उनको होते ही रहता है। तो मसल पेन की शिकायत रहती है पेशेंट्स को। उसके साथ साथ नेक्स्ट है नेल्स में जो है एक बेजान से नेल्स हो जाते हैं, वाइट स्पॉट्स पड़ने लगते हैं नेल्स में। और बाल मतलब हेयर एंड स्किन दोनों ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है स्किन में भी और प्रोन हो जाती है रफनेस की वजह से, और प्रोन हो जाती है काफ़ी इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद अगर बच्चों में कैल्शियम डिफिशियंसी के सिम्टम्स की बात करें तो उनमें जो है अगर छोटे बच्चों में कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो उनमें जो है डिलेड टीदिंग प्रोसीजर होगा, यानी कि उनकी जो दांत निकलने की प्रोसेस है वो काफ़ी डिले होगी, काफ़ी टाइम बाद उनको दांत निकलेंगे और उनके जो टीथ होंगे वो भी वीक होंगे कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से। उनके जो बोन्स होंगे वो भी वीक होंगे और आगे जाके उन्हें और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि उनके बोन्स वीक फॉर्म हुए हैं। और अगर सीवियर कैल्शियम डिफिशियंसी है, बहुत ज़्यादा ही कैल्शियम की डिफिशियंसी है, तो मसल स्पैजम होगा, मसल में दर्द रह सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन रहेगा, नमनेस हो सकता है, ऐसा लगेगा कि कोई पिन चुभा रहा है आपके मसल्स में, तो ऐसे सेंसेशन हो सकती है अगर सीवियर कैल्शियम डिफिशियंसी का केस है। तो ये सारे सिम्टम्स थे, लक्षण थे जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप डॉक्टर के पास जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं, जान सकते हैं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या नहीं है, और उसके बाद आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। होता ये है कि जो हम बाहर की कैल्शियम टैबलेट्स है वो हम डेली एज अ कैल्शियम सप्लीमेंट अपने डेली रूटीन में लेने से घबराते हैं क्योंकि कई बार उनके लॉन्ग टाइम इनटेक से जो है हमारे किडनी पे असर पड़ता है या स्टोन्स की शिकायत हो जाती है। लेकिन होम्योपैथी में एक ऐसा कैल्शियम सप्लीमेंट है जो कि सारे एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं और ये बिल्कुल 100% सेफ है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि होम्योपैथिक दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। तो दवाई का नाम है कैल्केरिया फॉस्फोरिका 6X। तो जी हाँ, यही वो बायोकेमिक दवाई है जो कि सारे एज ग्रुप के लोग एज अ कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो अगर आपके शरीर में कुछ लक्षण आ रहे हैं कैल्शियम सप्लीमेंट के, या फिर अगर आप डेली रूटीन में भी कैल्शियम लेना चाहते हो या अपने बच्चों को देना चाहते हो तो आप ये दवाई बेफिक्र यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके डोजेस की। तो अगर आप बच्चों को ये देना चाहते हो, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं और स्पेशली जब उनको टीदिंग हो रही होती है, जब उनके दांत निकल रहे होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है ताकि उनके जो टीथ हैं वो स्ट्रांग हो पाए, अच्छे से निकल पाए। तो उस टाइम पे जो है इवन डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं ये दवाई कैल्केरिया फॉस्फोरिका 6X। तो उन बच्चों को ये दवाई दी जाती है, ये उनको देनी है दिन में 2 बार, दो दो टैबलेट करके देनी है। तो ये आप कैसे देंगे, उनके मुंह में आप ये टैबलेट्स दोनों छोटी सी होती हैं ये आप रख देंगे
और ये माउथ डिजोल्विंग टैबलेट्स होती हैं, जैसे आप मुंह में डालोगे वैसे वो डिजोल्व हो जाती हैं। तो छोटे बच्चों को दिन में 2 बार दो दो टैबलेट्स देनी है। अब आ जाते हैं इन 1 साल से बड़े उम्र के बच्चे पे, तो 1 से 18 साल के बच्चों को अगर ये टैबलेट्स देनी है तो ये दो दो टैबलेट्स दिन में 4 बार देनी होती है। तो अगर आपके बच्चे बड़े हैं और अगर आप उनको ग्रोथ हो रही है, उनकी हाइट बढ़ रही है, उनको आप कैल्शियम सप्लीमेंट देना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उन्हें दे सकते हैं। और नेक्स्ट है अडल्ट्स को अगर कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है या 18 से ऊपर वाले उम्र के लोगों को अगर लेना है तो वो ये टैबलेट्स दिन में 4 बार ले, चार चार टैबलेट्स ले। तो इस तरीके से जो है इस मेडिसिन की डोजेज ले। इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेफ है। आप इसे हर रोज डेली रूटीन में सेट कर लें और आप कैल्शियम ले सकते हैं, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़रूर आप इसे एज अ कैल्शियम सप्लीमेंट ले अगर आप लेना चाह रहे हैं तो। इसी के साथ साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दें आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।